Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel. Friends, today we are going to learn about a small function in Excel. How can we use the function small? Let us see. आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम small function का use कर सकते हैं. इससे भी पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ. First of all, I want to tell you about the function. The function will return the small value. Okay? सबसे छोटी वैल्यू ये आपको रिटर्न करके दे देगा. आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा. तो सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेता हूँ. मेरे पास ये रिकॉर्ड बना हुआ है. इसमें आपको स्मॉल, अब जैसे देखिए ये कुछ जो है स्टूडेंट्स के नाम है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है. और यहाँ पर PT1 लिखा हुआ है, PT2 है, ये PT3 है. यानी कि PT1 यानी पीरियोडिक टेस्ट 1 है. ये तीन टेस्ट हुए हैं इनके और तीनों टेस्टों में इनके नंबर हैं. आइए देखते हैं कि स्मॉल फंक्शन हमें क्या देगा. चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मॉल. तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला किससे शुरू होता है, आप बताइए. जी हाँ, इज इक्वल टू के निशान से. अब यहाँ लिखिए स्मॉल, स्मॉल लिख दिया आपने, ब्रैकेट लगा दीजिए. आपको यहाँ पे आ रहा है एरे, तो एरे में आपको एरे सेलेक्ट करना, ये PT1 वाला, ठीक है. आप PT2 भी सेलेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिलहाल हम अभी PT1 करते हैं. PT1 के नंबर्स में से हमें स्मॉल नंबर ढूंढना है, ठीक है. तो आइए ढूंढते हैं. यहाँ मैं इसको रखता हूँ और यहाँ से हम अब नीचे आएंगे सेलेक्ट करते हुए. इसको मैंने कर लिया है सेलेक्ट. अब हमें देना है कॉमा. कॉमा देने के पहले आपको इन सेल्स को लॉक करना होगा. तो आप दबा दीजिए अपने कीबोर्ड से बटन F4. F4 दबाने से ये सारे जो सेल हैं, ये जो सेल रेफरेंस है, ये सारा सेल रेफरेंस हो जाएगा लॉक. अगर आपको लॉक करने में दिक्कत आती है, मैं आपको फिर दिखाता हूँ कैसे लॉक करना है. यहाँ पे मैंने मिटा दिया है. सबसे पहले तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए. यहाँ से सेलेक्ट हो गया. अगर आपको लॉक करने में दिक्कत आती है तो आप इस पूरे सेल को सेलेक्ट कर जाइए यहाँ से यहाँ तक और अब दबा दीजिए F4. F4 दबाते ही ये पूरी सेल लॉक हो जाएगी. लॉक करने के बाद देखिए भाई, यहाँ डॉलर लग गया है और जो डॉलर लग जाएगा वो तो लॉक हो ही जाता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉमा देते हैं चूंकि सिंटेक्स में कॉमा है. और के का क्या मतलब है? के का मतलब है कि आपको सबसे कम वाली वैल्यू चाहिए तो यहाँ 1 लिखिए, थोड़ी और ज़्यादा चाहिए तो 2 लिखिए, थोड़ी और ज़्यादा चाहिए तो 3 लिखिए, थोड़ी और ज़्यादा चाहिए तो 4 लिखिए, थोड़ी और ज़्यादा चाहिए तो 5 लिखिए, ठीक है. तो मैं आपको 1 लिख के दिखाता हूँ और इसको बंद करना और फिर एंटर प्रेस कीजिए. यहाँ पे आ रहा है 4. आइए देखते हैं इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है. 86, ठीक है. इसके बाद क्या है? इसके बाद है 70. ओके, दो जगह है, नहीं, 86 के बाद 80 है, फिर 70 है, फिर है 68, ठीक है. सबसे कम वाली जो वैल्यू है वो 4 ही है. आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 आया हुआ है. चलिए आइए इस 4 को मैं चेंज कर देता हूँ. यहाँ पे जो 1 लिखा है हमने, इसको मैं चेंज करता हूँ. अब हमें सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है. इंटर करता हूँ तो अब आ रहा है 17. 4 के बाद 17 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो इसमें आ रहा है. चलिए अब आते हैं, अब थर्ड वाली वैल्यू को खोजते हैं. इसको मिटा देता हूं, मैं इरेज कर देता हूं. यहां थर्ड वाली वैल्यू हमें चाहिए. तो 17 के बाद जो थर्ड वाली वैल्यू है वो 22 है. आप देख सकते हैं यहां 22 आया हुआ है, ठीक है. इंटर प्रेस करता हूं तो यहां 22 आ जाएगा. तो यही स्मॉल फंक्शन बताता है हमें. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. फिलहाल आइए देखते हैं इसमें क्या फंक्शन है. अगर आप इसको ड्रैग कर देंगे तो इसकी भी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकल आएगी, ठीक है. अभी चूंकि इसमें भी हमने इसको अभी मिटाता हूं मैं यहां पे, इसको अभी मिटा देता हूं, ठीक है. यहां पे भी हम फॉर्मूला लगा करके देखेंगे. अभी इसमें तो 22 आ गया, ठीक है. मैं क्या करता हूं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ही रखता हूं. यहां 1 कर देता हूं, ठीक है. एंटर प्रेस करता हूं तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा. अभी इसको ड्रैग करता हूं तो देखता हूं क्या होता है. यहां पे 444 आ रहा है, ठीक है. तो अभी हमें ऐसा नहीं करना, इसको ड्रैग नहीं करना. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी निकाल के देखेंगे. स्मॉल वाला फंक्शन लगाएंगे, इज इक्वल टू SMALL स्मॉल, ठीक है. और यहाँ से यहाँ तक आपको करना है सेलेक्ट, तो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से उठाइए और अब सेलेक्ट करना शुरू कीजिए, ठीक है. तो ये हो गया सेलेक्ट. कॉमा देना है, कॉमा देने के पहले इसे लॉक करना है तो लॉक कर देते हैं. कॉमा देंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो 1 दे देते हैं. एंटर प्रेस करता हूं तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 9 है, आप देख सकते हैं. इसी तरह से इसमें निकाल लेते हैं, SMALL स्मॉल फंक्शन लगा दिया हमने. और अब आपको करना है यहां से ड्रैग,
तो चलिए ड्रैग कर लेते हैं नीचे, नीचे इसको मैं लेके जाता हूँ, और यहाँ पर ये भी पूरा कॉलम ये जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। F4 दबाइएगा तो ये लॉक हो जाएगा, लॉक कर दिया हमने। लॉक करने के बाद स्मॉलेस्ट हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ बंद करिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ इसमें 3 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, आप देख सकते हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।